विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा एक उम्मीदवार नेता का ही नेता के तौर पर नहीं तुम्हारे दोस्ती के तौर पर मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा अपना दोस्त हूँ। और रही बात जितने ज्यादा करीबी दोस्त मेरे है वो सब में लास्ट में बैठे हैं, बहुत ज्यादा करीब है लेकिन बहुत लास्ट में बैठे हैं। और तुम्हारी बदनसीबी ऐसी है, मेरी बदनसीबी है कि तुम भी नेता नहीं है और मैं भी नेता नहीं हूँ। ना आपको भाषा ना आता ना मुझे भाषा ना आता, अब बदनसीबी तुम्हारी और हमारी। अब मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि इलेक्शन को खड़ा होने का जो मैंने फैसला लिया, मैंने पूरे लाइफ में हमेशा से इलेक्शन में किसी ना किसी अच्छे इंसान को मैंने कभी पक्ष नहीं देखा। जब भी इलेक्शन में किसी नेता का काम किया मैं अच्छे शख्स का काम करते आया हूँ। अतार साहब आप पत्रकारिता करते हैं, आप सीनियर है, आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ। जब भी मैंने काम किया कोई पक्ष के लिए कभी नहीं काम किया हूँ। अच्छा नेता जो विकास कर सकता हर समाज को लेकर चल सकता मैं ऐसे आदमी का काम किया। लेकिन मेरे सामने कुछ लोग ऐसा प्रस्ताव लेकर आए कि जैसे कि फारूक भाई शादी MIM, अब लोग आरोप भी करते हैं कि चैनल MIM का है बोलकर, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके मेरे अच्छे क्लोज संबंध है, क्लोज संबंध रहने की वजह से कुछ गरीबी लोग मेरे ये बताए कि मेरे को तेरे अच्छे संबंध रहना है तो कुछ फायदा कर ले। अभी दक्षिण का कुछ समीकरण ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लड़ने के लिए बाबा मिस्त्री के अलावा कोई नहीं थे, बाबा मिस्त्री यहाँ पे इच्छुक थे कांग्रेस से। और अनुमान ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी बाबा मिस्त्री को, तो बाबा मिस्त्री को टिकट नहीं मिलने के बाद बाबा मिस्त्री का निर्णय क्या रहेगा। तो हमने जब बाबा मिस्त्री को क्रॉस पूछा यहाँ के यानी कि मीडिया के माध्यम से भी मतलब जहाँ भी क्वेश्चन हुआ तो बाबा मिस्त्री ने कहा कि पक्ष मुझे टिकट देगा और मुझे पूरा विश्वास है और मैं कांग्रेस से ही लड़ूंगा। तो पत्रकारों ने यह सवाल किया था बाबा मिस्त्री को, अगर पक्ष टिकट नहीं देगा तो आप क्या करोगे, दूसरे पक्ष में जाओगे या अपक्ष लड़ोगे, या आपके दिमाग में MIM भी है, MIM पक्ष सुनते ही उनके क्या दिमाग में आग लगती मुझे पता नहीं है। MIM का नाम आते ही बाबा मिस्त्री बोलते कि जातिवाद पक्ष है बोलकर। मुझे लगता है MIM को मैं जातिवाद पक्ष नहीं मानता, मैं मेरा एक पर्सनली एक मत है कि जातिवाद पक्ष नहीं है। हाँ रही बात क्या मुस्लिम समाज की आवाज को बुलंद करने वाला पक्ष है वो एक अच्छा पक्ष है। और रही बात महाविकास आघाड़ी भी अच्छा काम कर रही। मेरा विरोध है बीजेपी का विरोध है मेरा। और तीसरी आघाड़ी जो बनी है, अभी जो तीसरी आघाड़ी बनी है संभाजी राजे, और उसका विरोध मैं इसलिए करता हूँ, हाल ही में तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले विशालगढ़ के अंदर मस्जिद पर जो हमला हुआ था, और मैं ये छाती ठोकर बोल रहा हूँ वो घटना बुरी थी और गलत थी। वो घटना मस्जिद पर हमला जो किया था ये तीसरी आघाड़ी वो आघाड़ी है। और मेरे तो ये अफसोस साथ बोलना पड़ रहा है कि बाबा मिस्त्री वो आघाड़ी के साथ चल रहे, यानी कि मुझे ऐसा लगता मुस्लिम समाज के मस्जिद पर जो लोग हमला करते हैं, जो मस्जिद को नुकसान पहुंचाते ऐसे आघाड़ी के साथ तुमको इलेक्शन लड़ना क्यों पड़ा, क्या मजबूरी है। जब बाबा मिस्त्री को पूछा गया था आप अपसे लड़ने वाले हो, तो बाबा मिस्त्री ने साफ बताया था मैं जब से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और आखिर मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक मैं कांग्रेस में काम करूंगा। तो उन्होंने वादा किया था, उनका वादा क्यों तोड़ना पड़ा और इसी आघाड़ी के साथ क्यों खड़े रहना पड़ा मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। अब बाबा मिस्त्री की मेरी बात हो गई, मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ बाबा मिस्त्री की मेरी बात हुई, बाबा मिस्त्री मेरे को बताए। और बाबा मिस्त्री मेरे बड़े भाई है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया मैं ये बताए कि आयास पीछे ले सकते क्या, पीछे लो बोलकर बोले। तो मैं क्या बताया बाबा मिस्त्री को, बाबा मिस्त्री आप पीछे लो और मुझे पार्टी पर जाहिर करो। बाबा मिस्त्री के अल्पास थे तो बाबा मिस्त्री क्या बताया कि बाबा मिस्त्री अब तुम पीछे हटो और पार्टी में मुझे दो। क्यों बोले तो तुम्हारा राजकारण हुआ और अच्छा करे जो भी करे जैसा भी करे, लेकिन अभी जो निर्णय तुम लिए
महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जाकर जो तुम अर्ध भरे ले तुम उम्मीदवारी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बी टीम का काम तुम करे ले। जैसे कि महाविकास आघाड़ी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के बाद और कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के बाद एमआईएम के ऊपर आरोप होते हमेशा कि बीजेपी की बी टीम है बोलकर, तो आज की बीजेपी टीम बी टीम जो है बाबा की है। और बाबा मुझे ऐसा लगता है जो साईं बाबा बनने की कोशिश कर रहा बाबा, वो बाबा गलत काम करे जो है। मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम समाज को वोट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एमआईएम के सभी कार्यकर्ता को एक आह्वान करता हूँ, मैं 4 तारीख को इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये आप डिसाइड करेंगे। और रही बात, अगर मैं पीछे ले रहा तो उसके खिलाफ बोल कर जा रहा मैं, और बिंदास। और रही बात, मैं किसको डरने वाला नहीं हूँ, बाबा रहने दो तो कौन भी रहने दो। जब मैं मतदान संघ में आने के वक्त तो मैं सोच कर आ रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़े दिक्कत है। दिक्कत उन लोग है, बड़े बड़े नेता है, पैसे वाले हैं, दबने वाले सब है, ना मेरे धर्म में ना मेरे खून में खौफ नहीं है मेरे। जब मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ सोच समझ कर ले रहा हूँ। और याद रखो, हाँ इलेक्शन लड़ते वक्त मैं मेरे ताकत से लड़ूंगा, लेकिन जितना जिताना है या मेरे को हराना है आपके हाथ में, मेरी ताकत तुम है। हाँ रही बात, मेरी औकात माफी देगी कि आमदार की औकात आया शेख रखता है या नहीं, मेरी औकात तुम है, ये वोटर है। जब तुम वोट करते ना तब इनकी औकात बनती, और रही बात मेरी भी औकात बन सकती, ये आपके हाथ में है। और ये डिसीजन जो भी रहेगा ये आगे लेंगे अपन। तो मुझे ऐसा लगता है बाबा मिस्त्री को जब बात किया मैं, तो बाबा मिस्त्री बोले मेरे को दिल बड़ा करने के लिए, तो मैं बाबा मिस्त्री को क्लियर बताया हूँ तुमको पीछे हटना है और मेरे को पार्टी में देना है। और अभी भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैनल पत्रकारों आपके सबके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ, बिंदास अगर तुम्हारे में दम है, अगर आप पत्रकारिता करते बाबा को सवाल करो ये बात। तुम जो धोखा दिए महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस को बंडखोरी करे, ये किसके कहने पर करे ले तुम, तुम्हारा निर्णय बन जाए कहीं को। और रही बात, बाबा मिस्त्री को मैं बताया था, फारूक शांति को बताया था, आमदार की टिकट मेरे को जो मिल रही वो टिकट मेरे को मत दो, सुलह करने के तौर पर तुम क्या करो ये बाबा मिस्त्री को टिकट दो, एमआईएम का एमआईएम टिकट दे दो, बाबा मिस्त्री दक्षिण से लड़ेंगे तुम मध्य से लड़ो, बाबा मिस्त्री भी आमदार बनेगा तुम भी बनो, ये मेरे तरफ से था प्रस्ताव। और ये दिल जो बड़ा किया था वो मेरे कोई सिखाया नहीं, मैं अच्छा और बुरा समझता काम करते हो, तो मेरे को ऐसा लगा कि बाबा एमआईएम की तरफ से अगर कांग्रेस टिकट नहीं भी दी रही ठीक अच्छी बात है, एमआईएम से लड़ो तुम आमदार बनते ना। अरे किस लिए आगे से बन रहे तुम, जो लोग मस्जिद को नुकसान पहुंचे वैसे आगाड़ी के साथ तुम आगे फेरते टिकट लेकर, तो मतलब तुमको वोट किसके मिलने वाले हैं। मेरे को नहीं लगता मुस्लिम समाज आवाम स्त्री को वोट करने वाला है। और रही बात, जो मुस्लिम समाज के अंदर समाज के नाम पर, जमात के नाम पर, पक्ष के नाम पर जो वोट डिवाइड है, यानी कि एमआईएम, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, हर तरफ मुस्लिम समाज है। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।